हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और डाक मतपत्र के रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान है। वहीं सीसीटीवी कैमरे से इस पूरी काउंटिंग प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। 230 सीटों पर काउंटिंग के लिए 5061 टेबल लगाई गई हैं। एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और प्रत्येक राउंड की गणना के बाद मतों की जानकारी दी जाएगी। मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सुबह 9 बजे से रुझान आने का अनुमान जताया जा रहा है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। वही मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है, इससे किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा। पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को लेकर विशेष रूप से निर्वाचन आयोग का फोकस है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं और इसी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर मतगणना को लेकर हो, तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, ग्वालियर से करण मिश्रा, भोपाल से राकेश चतुर्वेदी, जगदलपुर से आशुतोष तिवारी, रायपुर से वैभव शिव पांडे और इंदौर से हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए गए हैं। क्या कुछ विशेष तैयारियां और कितने बजे से माना जाए कि हम पहला रुझान देना कल से शुरू कर सकेंगे राकेश? बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में बात करें तो 5061 जो टेबल हैं वो काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं, मतगणना के लिए तय कर दी गई हैं और इनकी जो समीक्षा है वो पूरी हो चुकी है। कल हम मतगणना की शुरुआत की बात करें तो ठीक 5 बजे जब अंतिम रैंडमाइजेशन होगा कर्मचारियों का कि कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर उसकी ड्यूटी है, और ठीक 8 बजे सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे। इस समय हम राजधानी भोपाल में जो कंट्रोल रूम है वहीं पर मौजूद हैं और यहां पर हम सुरक्षा संबंधी तमाम तैयारियां देख पा रहे हैं। ठीक 8 बजे जो मतगणना शुरू होगी सबसे पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे। औसत बात करें करीब 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है डाक मतपत्र की गिनती के लिए, और डाक मत पत्र की जब गिनती होगी और जब इसका परिणाम जारी हो चुका होगा कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, इसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होंगी। यानी डाक मत पत्र की गिनती शुरू होते ही हम सबसे पहले बता पाएंगे कि डाक मत पत्र में किसको बढ़त मिली है, और डाक मत पत्रों में सबसे अधिक मत हैं वो सरकारी कर्मचारियों के हैं। हालांकि इसमें करीब 90,000 डाक मत पत्र उन लोगों के हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, 80 साल से जिनकी अधिक उम्र है उनके भी इसमें डाक मत पत्र शामिल हैं। तो कर्मचारी किधर जा रहे हैं, कर्मचारियों के मन में बीजेपी है या कांग्रेस, ये पहला रुझान यही रहेगा। और इसके साथ ही अब ईवीएम की गणना शुरू होगी तो उसके बाद लगातार रुझान आते रहेंगे, लेकिन जो पहला रुझान होगा वो डाक मत पत्र का होगा, वो मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का होगा जिन्होंने चुनावी ड्यूटी में अपना जो योगदान दिया है, सबसे पहले उनके डाक मत खोले जाएंगे। ठीक है हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के इंतजाम और काउंटडाउन शुरू हो चुका है? देखिए बिल्कुल पवन, मैं उसी नेहरू स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर कल सुबह मतगणना शुरू होनी है। 7 बजे से मतगणना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं के जो है जायजा है वो यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी भी ले चुके हैं, और इसके साथ ही ड्राई रन जो है वो यहाँ पर अधिकारियों ने यहाँ पर जो मैदान में मौजूद कर्मचारी है उनका हो चुका है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है। पहले मैं आपको गेट दिखाना चाहूँगा जहाँ से प्रत्याशियों का आने का सिलसिला शुरू होगा, यहाँ से प्रत्याशी एंट्री करेंगे और उसके बाद जो प्रत्याशियों के साथ एजेंट हैं जिनके पास में
कार्ड दिए गए हैं, जो कार्ड जारी किए हैं, वही कार्ड धारकों को इस गेट से अंदर आने दिया जाएगा। उसके बाद इस गेट से अंदर जाने के बाद आगे एक पड़ाव और आ रहा है, जहां पर उन प्रत्याशियों की चेकिंग होगी। उनके पास मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच होती है तो उसे बाहर रखवा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना यहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। और इसके साथ ही जो प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ भी सीमित संख्या में जो एजेंट है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद में यहाँ से अंदर जाने के बाद में हर एक टेबल मतदान क्रमांक के साथ लगाई गई है। एजेंट अपनी अपनी मतदान क्रमांक टेबल पर बैठेंगे और उसके बाद जो ईवीएम हैं उनको लाने ले जाने के लिए भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही जो पूरा हॉल है, ये पूरा का पूरा जो कैंपस आप देख रहे हैं, इसके अंदर 9 हॉल बनाए गए हैं। इंदौर में एक विधानसभा से लेकर पूरी जो 9 विधानसभा है, उन 9 ही विधानसभाओं में सीसीटीवी लगाए गए हैं। 66 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, हर एक बारीकी का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही 9 ही विधानसभाओं में एक एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर रहेगा। सबसे पहले जो रुझान है वो ठीक है, जगदलपुर का रुख करते हैं। आशुतोष तिवारी, वहां से आप बताइए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना होने पाए, सुरक्षा बेड़ा कितना चाक चौबंद नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए 3 लेयर का सुरक्षा यहाँ पर बनाया गया है और मैं जो धर्मपुरा में आदर्श महाविद्यालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 विधानसभा यानी कि जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट विधानसभा की मतगणना यहाँ पर की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे कि सीआरपीएफ से लेकर सीएफ और स्थानीय पुलिस बल को जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होनी है और इसको लेकर अभी से ही पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर दुरुस्त कर दी गई है। और हालांकि इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है कि महिला जो है, इस बार महिला पूरी तरीके से मतगणना से लेकर सुरक्षा का कमान यहाँ पर संभालेंगी। और ये जो आदर्श महाविद्यालय है यहाँ पर सुबह 8 बजे से वोटिंग मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सबसे पहले 9 से 9:30 बजे पहला रुझान जो है ये सामने आ सकता है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें पूरी तरीके से तेज हो चुकी है क्योंकि यही रात उनके लिए आखिरी है कि किसका भाग्य लिखता है, किसके माथे पर तिलक लगता है और कौन पराजय होता है। क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आए हैं तो पूरी तरीके से उत्साह कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी पीछे नहीं है। बीजेपी भी ये कह रही है कि जो जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से हमारा जो बढ़त है वो और बढ़ सकता है क्योंकि 40 से 45 सीट और उससे ऊपर आने का रमन सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं। वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक बैज है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जो है पहले ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रही थी, उसके बाद से दलबल लगाई और उसके बाद से अब खरीद फरोख्त करने की कोशिश यहाँ पर करेगी। तो आरोप प्रत्यारोप तो जरूर चल रहे हैं, लेकिन कल यानी कि सिर्फ जो है वो घंटे बाकी हैं, कम डाउन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। आने वाले कल यानी कि सेकेंड हाफ तक पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मतदाता किसको आशीर्वाद भर भर के दिए हैं और किसके माथे पर वो तिलक लगाए हैं। और बस्तर ही तय करता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, तो बस्तर के मतदाता क्या आशीर्वाद दिए हैं। जी ठीक है, रायपुर का रुख कर लेते हैं। वैभव शिव पांडे, क्या सूरत हाल वहां पर? देखिए, रायपुर का जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उसे मतगणना स्थल बनाया गया है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज का परिसर है जहाँ पे बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इनकी तैनाती यहाँ पे की गई है। रायपुर जिले में 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और यहाँ पे 7 विधानसभा सीटों की जो है गणना होगी। और ये दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहीं पे ही काउंटिंग होनी है। तो काफी व्यापक जो है इंतजाम निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है, सुरक्षा की काफी कड़ी व्यवस्था की गई है और जो सभी 90 की गई है और सभी 90 सीटें हैं उनके लिए 90 जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तैनाती की गई है, 416 जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी तैनाती की गई है, 4,500 से जो विभाग के कर्मचारियों की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है और ये पूरा परिसर जो है वो एक तरीके से छावनी में कल तब्दील हो जाएगा। अभी तो सबको आने जाने की इजाजत है लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है
एडिशनल एसपी ग्रामीण है नीरज चंद्राकर जी, आप उनसे जानते हैं यहाँ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? कल यहाँ पर मतगणना होगी, पूरे बिल्डिंग को अगर देखा जाए तीन लेयर अधीक्षक प्रभारी होंगे, साथ ही अधिकारी और बाहर रहेगा, मिडिल जो है मिडिल एयर टोटल छत्तीसगढ़ स्टेट आर्म की है वो रहेगी, और जो इनर बिल्डिंग में जहाँ मतगणना होगी वो पैरामिलिट्री फोर्स सीआई से का बल जो लगा हो पूरी कर रही है। इस प्रकार से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है कि कल करीब पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो प्रवेश द्वार में जो भी लोग आएंगे यहाँ प्रवेश करेंगे।